गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल एलील्स एंड ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, जिसका पार्ट फर्स्ट हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में। आज हम इसका पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसके पार्ट फर्स्ट का जो लास्ट टॉपिक हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था कोट कलर इन रेट्स, जिसमें हमने जो है कोट कलर के मल्टीपल एलील्स के बारे में पढ़ा था। देखिए, इसमें कैपिटल जी और उसके ऊपर एल व स्मॉल बी एल दोनों ही उधर के हल्के रंग के लिए दूसर वर्ण के प्रति प्रभावी होते हैं। पीला रंग श्रृंखला के सभी विकल्पियों के प्रति प्रभावी होता है। इसमें एक सारणी देखिए आप, दो भिन्न भिन्न बहुविकल्पी श्रृंखलाओं के कारण चूहों में समूह वर्ण का प्रदर्शन देखिए। रंजक इन श्रृंखला जिसमें काला रंग श्रृंखला का होता है, फिनोटाइपिक में देखिए, फिनोटाइप में देखिए दूसरे रंग के लिए सामान्य, दूसरे रंग के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव चिन्ह यूज आता है। इसी प्रकार जीनोटाइप भी इसका यही होगा। रंजकहीन के लिए कैपिटल ए काला, स्मॉल बी भी इसका जीनोटाइप है। इसी प्रकार मध्यम हल्के दूसरे के लिए एम पीला कैपिटल YY। इसी प्रकार अत्यंत हल्का दूसर AC और AC, ये दूसर शरीर पर उधर भाग बहुत हल्का होता है, काला शरीर पर इनका हल्का उधर भाग जिसका BL और इसी प्रकार दूसर शरीर पर उधर भाग हल्का होता है GL। अब इसके आगे हम देखिए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं, ए बी व ओ रक्त वर्ग के बारे में। ब्लड ग्रुप जो AB और O ब्लड ग्रुप होता है उनके बारे में बात करें। मानव रक्त में प्रतिजनों या एंटीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने चार रुधिर वर्गों की खोज की थी। इन्हें हम AB और O या जीरो वर्ग के नाम से जानते हैं। ए तथा बी प्रतिजन एंटीजन के साथ रुधिर के प्लाज्मा भाग में पाए जाने वाले कुछ प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज होते हैं। किसी प्राणी में मात्र उन्हीं प्रतिजनों या एंटीजन के प्रतिरक्षी होते हैं जो प्रतिजन उस प्राणी के रक्त में नहीं पाए जाते हैं। इस तथ्य को निम्नांकित सारणी से हम समझ सकते हैं, और सुविधा के लिए इस सारणी में हम जीन प्ररूप या जीनोटाइप का भी यहाँ उल्लेख किया गया है, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले ए जो है ब्लड ग्रुप है उसको हम ए ब्लड ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर एंटीजन ए पाया जाता है। इसी प्रकार बी ब्लड ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम बी एंटीजन पाया जाता है। इसी प्रकार ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो है लोगों के अंदर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, और ओ और जीरो वर्ग का जो होता है ब्लड ग्रुप उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। ए रक्त समूह वाले जो लोग हैं जिनमें ए एंटीजन पाया जाता है, इनमें प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज एंटी ए या हम इसको स्मॉल बी से भी प्रदर्शित करते हैं पाई जाती है। इसी प्रकार बी रक्त समूह वाले लोगों में बी एंटीजन पाया जाता है और इनमें प्रतिरक्षी एंटी बी या फिर ए स्मॉल ए प्रतिरक्षी पाई जाती है। इसी प्रकार ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो लोग हैं जिनमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं ए एंड बी, लेकिन इनमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, जबकि ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति जिनमें कोई भी प्रतिजन या एंटीजन नहीं पाया जाता उनमें दोनों प्रतिरक्षी एंटी ए और एंटी बी जिनको ए और बी से हम प्रदर्शित करते हैं पाई जाती है। अगर हम इनके जीनोटाइप्स देखें तो देखिए ए ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप होगा LA और L0। इसी प्रकार बी रक्त वर्ग वाले या बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों का जीन प्ररूप जीनोटाइप LB या LB L0 होगा। इसी प्रकार AB ब्लड ग्रुप वाले का LA LB होगा और O ब्लड ग्रुप वाले का L0 या LO होगा। मानव रक्त के जीनी प्ररूपों की को हम सुगमता से जानने के लिए निम्नांकित चित्रों के माध्यम से हम और भी सरलता से हम इसको और भी स्पष्टता के साथ इसको समझ सकते हैं। देखिए, रक्त समूह या ब्लड ग्रुप ए है,
इसके अंदर ए एंटीजन पाया जाता है रक्त के अंदर, और इस ए एंटीजन के विरुद्ध एंटी बी इनके अंदर प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज पाई जाती है। इसी प्रकार रक्त समूह जो बी है उसके अंदर एंटीजन बी पाया जाता है और एंटीबॉडीज इनमें एंटी ए पाई जाती है। इसी प्रकार रक्त समूह ए बी वाले जो व्यक्ति हैं उनके अंदर एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं, लेकिन उनके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार रक्त समूह जो ओ या जीरो वाले जो व्यक्ति हैं, रक्त समूह ओ वाले व्यक्तियों के अंदर चूंकि कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए इनमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज एंटी ए और एंटी बी इनके प्लाज्मा में पाई जाती है। ए बी ओ रक्त वर्गों की वंशागति बहुयुग्म विकल्पी समुच्चय के द्वारा नियंत्रित की जाती है। प्रतिजन एंटीजन ए का संश्लेषण एक प्रभावी एलील द्वारा नियंत्रित होता है, जिसे हम एल ए कहते हैं। ध्यान रहे, एल का प्रयोग हम रक्त वर्गों के अनुसंधानकर्ता लैंड स्टीनर के सम्मान में करते हैं। प्रतिजन या एंटीजन बी का संश्लेषण एक अन्य प्रभावी एलील कैपिटल बी द्वारा नियंत्रित होता है, जिसे हम एल कैपिटल एल उसके ऊपर बी लिख के प्रदर्शित करते हैं। प्रतिजन या एंटीजन की अनुपस्थिति अप्रभावी एलील एल जीरो या एल ओ की उपस्थिति के कारण होती है। वंशागति में आप देखिए, एक डायग्राम आपके सामने है, ब्लड ग्रुप ए को प्रदर्शित करता हुआ, ब्लड ग्रुप बी को प्रदर्शित करता हुआ, ब्लड ग्रुप ए बी को प्रदर्शित करता है, ब्लड ग्रुप ओ को प्रदर्शित करता है। ये जीनोटाइप्स हैं। ब्लड ग्रुप ए के अंदर दो जीनोटाइप हमारे को देखने को मिलते हैं, एल ए और एल ए, एक एल ए और एक एल ओ। इसी प्रकार ब्लड ग्रुप बी में भी दो प्रकार के जीनोटाइप हमारे को देखने को मिलेंगे, एल बी और एल बी, और एल बी और एल जीरो या एल ओ। इसी प्रकार रक्त समूह ए बी के अंदर, ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर एक ही प्रकार का हमारा जीनोटाइप होगा, एल ए एल बी, और रक्त वर्ग ओ के अंदर हमारा जीनोटाइप एक ही प्रकार का होगा, एल ओ एल ओ। सामान्यतः मेंडल के नियमों का ये अनुसरण करते हैं तथा विषम युग्मकी या विषम युग्मजी जनकों के संगम के परिणाम स्वरूप चारों प्रकार के रक्त समूह प्राप्त होने की संभावना बनी रहती है। देखिए, एक क्रोश है रक्त वर्ग ए और रक्त वर्ग बी, जो कि विषम युग्मकी वाला इनका जीनोटाइप लेते हैं, जिसमें जनकों का जीनोटाइप है एल ए एल ओ एल बी एल ओ। इसमें गैमिट्स जो है एल ए एल जीरो एल बी एल जीरो या एल ओ एल ए एल ओ एल बी एल ओ बनते हैं। इनको जब हम चेकर बोर्ड में रखते हैं तो रख के हम देखते हैं कि इसमें चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप बनने की संभावना रहेगी, जिनका जीनोटाइप इस प्रकार होगा एल ए एल बी, इससे ब्लड ग्रुप एफ वन पी डी में ए बी बनेगा, एल ए एल जीरो से ब्लड ग्रुप ए बनेगा, एल बी एल जीरो से ब्लड ग्रुप बी बनेगा, एल जीरो एल जीरो या एल ओ एल ओ से ब्लड ग्रुप ओ बनेगा। ये रक्त समूह ए और रक्त वर्ग बी के जो विषम युग्मकी जीनोटाइप है उनके मध्य क्रॉस का परिणाम है। रक्त वर्गों की आनुवंशिकी के आधार पर यह ज्ञात किया गया है कि विभिन्न रक्त वर्गों की वंशागति एल ए एल बी एल ओ इन एलीलों पर आधारित है। एलील ए तथा एलील एल बी उत्परिवर्तित या म्यूटेंट एलील है, जो वन्य एलील एल ए पर प्रभावी होते हैं। जीन एल ओ भी उत्परिवर्तित होकर एल ए एल ए एल ए उपवर्ग निर्मित करता है। नीचे विभिन्न रक्त वर्गों के मनुष्यों की संगम तालिका से संतानों का रक्त समूह ज्ञात किया जा सकता है। मानव संतति में संभावित रक्त वर्णों का निरूपण देखिए। माता पिता के रक्त वर्ण क्या होते हैं, उससे संतान में होने वाले संभावित रक्त वर्ण या ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं, और संतान का असंभव ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, नहीं होना चाहिए, इससे जो है पैतृकता की उलझी हुई कई स्थितियों को सुलझाया गया है। जब माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ होता है तो उनकी संतान का ब्लड ग्रुप बी ओ ही होता है। किसी भी कीमत पर उनकी संतानों में ए बी या ए बी ब्लड ग्रुप
नहीं हो सकता या नहीं बन सकता। जब माता और पिता का ब्लड ग्रुप ओ और ए होता है, जिसमें ए सम प्रकार का होता है, तो संतान का संभावित रक्तवर्ण केवल ए होता है। बी, ए बी और ओ किसी कीमत पर नहीं बन सकते। इसी प्रकार जब माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ और ए विषम प्रकार का होता है, तो इसमें ओ और ए संतान में संभावित होता है, बी और ए बी नहीं बनेंगे। इसी प्रकार ओ और बी के मध्य जो बी इसमें सम है, होमोगैमेटिक प्रकार का है, तो इस प्रकार की स्थिति में जब पेरेंट्स होते हैं तो केवल बी ब्लड ग्रुप बनता है संतानों में, ए ए बी और ओ नहीं बन सकता। और इसी प्रकार ओ ब्लड ग्रुप है, उसके साथ में अगर बी विषम युग्मजी प्रकार का होता है, तो ओ और बी बनने की संभावना है संतानों में, जबकि ए और ए बी किसी कीमत पर नहीं बन सकते। ओ और ए बी के मध्य जब क्रॉस होता है, तो ए ब्लड ग्रुप या बी ब्लड ग्रुप बन सकता है संतानों में, ओ और ए बी किसी कीमत पर नहीं बन सकते। इसी प्रकार ए और ए जो दोनों सम प्रकार के होते हैं, तो ए ब्लड ग्रुप बनता है। विषम युग्म की अगर ए ए के मध्य क्रॉस होता है, ए और ओ बन सकता है। सम युग्म की ए है, विषम सम युग्म की बी है, तो इससे ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप बनने की संभावना है। इसी प्रकार सम युग्म की ए है और विषम युग्म की बी है, तो ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ए बी बनने की संभावना है। इसी प्रकार विषम युग्म की ए है, सम युग्म की बी है, तो उसके मध्य होने वाले संतानों में बी और ए बी बनने की संभावना है ब्लड ग्रुप। जबकि विषम युग्म की ए है, विषम युग्म की बी है, तो इसमें चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप बनने की संभावना है, ए बी ए बी और ओ। जबकि ए बी और ए बी पेरेंट्स के मध्य जब क्रॉस होता है, तो ब्लड ग्रुप ए बन सकता है, बी बन सकता है और ए बी बन सकता है, लेकिन ओ नहीं बन सकता। मानव रक्त वर्णों पर विशद शोध एवं अध्ययन किए गए तथा ज्ञात किया गया है कि रक्तवर्ण ओ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका व उत्तरी पश्चिमी यूरोप की भारतीय मूल की जनजातियों में सामान्य है। रक्तवर्ण ए अमेरिका के श्वेत, पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी एशिया के मनुष्यों में अधिक मिलता है। केंद्रीय एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में बी रक्तवर्ण की बहुलता है। भारत में बी रक्तवर्ण सर्वाधिक उत्तरी पूर्वी भाग में तथा दक्षिण में कम देखा गया है। देखिए, रुधिर वर्ग के निर्धारण की विधि भी आपके सामने है। अगर ए एंटीजन के साथ में समूहीकरण की क्रिया दिखती है ब्लड में, तो ब्लड ग्रुप ए होगा। और अगर बी के साथ दिखती है समूहीकरण की क्रिया, बी एंटीजन बी के साथ में, तो ब्लड ग्रुप बी होगा। और दोनों ही एंटीजन ए और एंटीजन बी के साथ समूहीकरण की क्रिया एंटीबॉडीज़ के साथ दिखती है, तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा। और दोनों ही एंटीजन के विरुद्ध नहीं है, कोई समूहीकरण की क्रिया नहीं हो रही, तो ब्लड ग्रुप ओ देखने को मिलेगा। किसी मनुष्य में रक्त की अत्यधिक कमी होने पर उन्हें बाहर से दूसरे मनुष्य का रुधिर दिया जाता है, रक्त दिया जाता है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन यह रुधिर संचरण कहलाता है। किंतु रक्त वर्ग ए में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी रक्त वर्ग बी में लाल रक्त कणिकाओं को परस्पर चिपका कर समूहीकृत यानी कि एग्लूटिनाइज कर देता है। इसी प्रकार रक्त वर्ग बी में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी एंटीबॉडी रक्त वर्ग ए की लाल रुधिर कणिकाओं को समूहीकृत एग्लूटिनाइज कर देता है और उसको नष्ट कर देता है। रक्त वर्ग ए बी में प्रतिरक्षी अनुपस्थित होने के कारण यह वर्ग किसी भी अन्य रक्त वर्ग की लाल रक्त कणिकाओं को समीकृत एग्लूटिनाइज नहीं कर सकता है। जबकि ओ रक्त वर्ग मात्र ओ को छोड़कर अन्य तीन रक्त वर्गों में उसमें मिलाने पर निर्धारित रक्त कणिकाओं का समीकरण उन्हें नष्ट कर देता है। रक्त वर्गों के इस प्रकार की क्रिया प्रदर्शित करने के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि निश्चित रक्त वर्ग के मानव को कौन से अन्य रक्त वर्गों का रुधिर या रक्त दिया जा सकता है और किन वर्गों का नहीं दिया जाता। कारण है कि लाल रक्त कणिकाओं का समूह या एग्लूटिनेशन से प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। नीचे दिए गए चित्र से ज्ञात होता है कि रक्त वर्ग ए बी का व्यक्ति सार्वत्रिक आदाता या सार्वत्रिक प्राप्तकर्ता यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो सकता है। इसी प्रकार रक्त वर्ग ओ का व्यक्ति सार्वत्रिक दाता या सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर होता है। रुधिर वर्ग ए का व्यक्ति
रुधिर वर्ग ए और ओ से रक्त ले सकता है। इस प्रकार रुधिर वर्ग बी का व्यक्ति रुधिर वर्ग बी और ओ को से रक्त ग्रहण कर सकता है। ये जो डायग्राम है इसमें स्पष्ट रूप से रक्त संचरण ब्लड ट्रांसफ्यूजन हेतु रक्त वर्गों की उपलब्धता के निरूपण का जो है चित्रण किया गया है। देखिए दाता का रक्त वर्ग प्राप्तकर्ता का रक्त वर्ग क्या हो सकता है। देखिए अगर दाता का रक्त वर्ग ए है तो प्राप्त वर्त किस किस को दे सक किस किस को दे सकता है, ये ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, लेकिन बी और ओ को नहीं दे सकता है। इस प्रकार बी अगर दाता है तो ये बी को और ए बी को दे सकता है, लेकिन ए और ओ को नहीं दे सकता। इसी प्रकार दाता का वर्ग ए बी है तो ये केवल ए बी को दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता। अगर ओ है तो ये सबको दे सकता है, प्लस का मतलब समूहीकरण है और नहीं होता है, तो इसमें ये ए बी वाले में आप देखिए ए बी पे समूहीकरण नहीं होगा, तो यहाँ ये जो है चिन्ह गलत लगा हुआ है। ये मानव रक्त वर्गों के समूहीकरण की क्रिया का निरूपण दिया गया है और ठीक ऐसा ही इस डायग्राम से भी स्पष्ट हो रहा है, जिसमें हमें पता लग रहा है कि सार्वत्रिक दाता ओ है और सार्वत्रिक ग्राही ए बी ब्लड ग्रुप है, क्योंकि ए बी वाला सभी से रक्त ले सकता है और ओ वाला सभी को रक्त दे सकता है। देखिए एंटीजन प्रतिजन प्रतिरक्षी एंटीजन एंटीबॉडी अणु के मध्य अन्योन्य क्रिया को इस डायग्राम में दिखाया गया है, जिसमें एंटीजन है। जब इस एंटीजन को इंजेक्टेड किया जाता है तो इसके विरुद्ध एंटीबॉडीज बनती है, गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज बनने की क्रिया आपके सामने प्रदर्शित की गई है। थैंक यू।